हेलो उत्सीयन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो कोई पूछ रहा था कि रिवर्थ का कौन सा वीडियो आएगा, नया या पुराना? भाई, अभी नए चैप्टर अपडेट नहीं हुए तो पुराने वीडियो आएंगे, ठीक है? तो पुराने वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हो अगर देखना चाहो, क्योंकि ऑब्वियसली यार अपनी रिवर्थ इंटरेस्टिंग थी, तो मुझे लगता है आप लोग देखना चाहोगे। तो चले जाना, पिछले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका नाम है 3N एनिमे फैमिली, जो कि आप YouTube पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। तो जैसे चाहो वैसे जा सकते हो, और चले तो जाना यार, प्लीज़ यार, मैं कह रहा हूँ चले जाओ। मतलब जितने ज़्यादा लोग जा सकते हो पहुँच जाना वहाँ पे, ओके? और हाँ, वहाँ पे हमारा काफ़ी दिनों से वो अपडेट नहीं हुआ था सोल लैंड का, तो उसका भी वीडियो आ गया होगा, तो उसे भी देख लेना। और लव यू यार थ्रियन फैमिली, यार तुम कमाल के लोग हो यार, मतलब कुछ भी बोलो, जैसे भी हो मस्त हो। तो आओ ठड़कपन के साथ अपने नोवेल को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि कल का एपिसोड भी काफी धांसू था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो यान बातचीत कर रहा था, लेकिन उसे पता चला था कि आ रहे हैं दो पावरफुल लोग। दो पावरफुल लोगों के पास जियान जैसे ही जाता है तो उसे पता चलता है ये है जिया, और उसी के साथ ड्रैगन क्लेन की एक और मेंबर। हालांकि वो दोनों बातचीत करते कि वहां पे एक और आ जाता है, कबाब में हड्डी, जो कि दोनों ही ब्लड मॉन्स्टर्स होते हैं, सेवन जर्नल में से दो जर्नल, एक को तो जॉन पेल चुका है। जॉन उनके साथ कुछ नोक झोंक करता है, फाइट होती है, और होता वही है जो मंजूर है, जॉन होता है मतलब पेल देता है यार जॉन उसे भी। देन ये सभी लोग आते हैं अंदर, तो मरवे ट्राइब के अंदर जो जिया के साथ लड़की थी वो कहती है कि भाई यार कब से मरवे ट्राइब ओपन हो गई, तो उन्होंने बताती हैं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमारी लंका लगी पड़ी है, ये हमें बचा रहे थे। जिसके बाद जॉन कहते हैं यार जिया क्या तुम्हारे पास नाइट एंड निर्वाणा फ्रूट है? जिया तुरंत बिना सोचे समझे निकाल के दे देती है, लो यार रखो। बीच में मुयर और जिया की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जिया के साथ भाई लड़की मना कर देती है कि इसे तुम नहीं दे सकती है, तुम्हारे लिए जरूरी है। जो देखकर जियान भी कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए जरूरी है। जिया कहती है मेरे लिए जरूरी नहीं है, इसे रख लो। बट हो गया, जियान नहीं लेता। जिसके बाद पता चलता है कि जो यान ये फ्रूट कैनिंग के लिए मंगा रहा था, तभी वो लड़की कहती है एक और जगह है, लेकिन वहां की जगह को प्रोटेक्ट करता है मॉन्स्टर एम्परर। तो जियान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाउजियान है ना, साले को मार दूंगा। और एपिसोड में वही एंड कर देता हूँ, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, आ जाओ। तो यहाँ पे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग कियोंग जो यान की तरफ देखते हुए कहती है तुम काफी ईगोफुल हो, हालांकि पिछली लड़ाई में तुमने काफी अच्छी ताकत दिखाई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि डाउजियान तुम्हारी मौसी का लड़का है जिसे तुम कभी भी थपेड़ी बजा सकते हो? यहाँ पे जियान उस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा होता है जिसे उसके ड्रैगन क्लेन के ड्रैगन एम्परर भी फाइट के लिए चैलेंज नहीं करते थे, और जॉन ने उसे मारने के लिए कह दिया था कि बस डाउजियान ही तो है, मार देंगे। जिसके कारण लॉन्ग क्यों आई मीन कियोंग थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होती है, मिल जाओ जॉन को सेटिस्फाइड कर देगा, मतलब मॉन्स्टर एम्परर मिल जाए तो जॉन उसे मार देगा और तुम्हें सेटिस्फाइड कर देगा, ये कहना चाहता था मैं। हालांकि जॉन यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा था, भले उसने दो सेवन ग्रेट जर्नल्स को मार दिया हो, ल्यू गॉड जर्नल और ब्लड बोन जर्नल, लेकिन अभी भी जॉन ने अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, और इन दोनों को मारना तो जॉन के लिए अभी भी कुछ भी नहीं था। साथ ही जॉन की पावर जो कि 9 स्टार लेटेस्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, तो भले ही डाउजियान की ताकत से निपटना मुश्किल हो, लेकिन जॉन डरता नहीं था। तभी जॉन कहता है ऑब्वियसली डाउजियान लेवल का वॉरियर काफी स्ट्रांग होगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं जीतूंगा ही, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मैं हार भी जाऊं। जो सुनकर तो लॉन्ग कियोंग तुरंत ही कहती है मैंने तो सोचा था कि आप एक अच्छे इंसान है, लेकिन अब ऐसा लगता है तुम काफी ईगोफुल हो। जो सुनकर तो जॉन हैरान रह जाता है कि यह लड़की उस पर नाराज हो रही है, जॉन को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उसके बाद लॉन्ग कियोंग को नाराज कर देंगे, इसलिए जॉन कहता है सीनियर यार मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। जॉन काफी कंफ्यूज हो गया होता, लेकिन तभी जिया स्माइल करती है और कहती है रहन दो यार, ये ऐसी भंड लड़की है, अकेले रहते रहते इसका बिहेवियर ऐसा हो गया। हालांकि यहाँ के थोड़े से टफ माहौल को देखकर कियानिंग तुरंत ही सभी को क्रिस्टल पैलेस में वेलकम करती है और शानदार भोजन की तैयारी कराती है, और जॉन ये देखकर तो काफी हैरान हो जाता है कि इतना शानदार भोजन, आई मीन जियो यान नहीं जियो जान। तभी कियानिंग तुरंत ही कहती है मैं वास्तव में थोड़ी सी एम्बैरस्ड हूँ, क्लेन में बहुत सारे ट्रेजर नहीं है, इसलिए आप लोगों के खराब वेलकम के लिए मुझे माफ करिएगा। और यहाँ पे लगे हुए जो खजाने के आई मीन खाने के जो थाल होते हैं वो उसकी मरमेड ट्राइब की सारे ही ट्रेजर्स होते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा पोलाइटली कियानिंग को ग्रीट करते हैं, और तुरंत ही कहते हैं ये पहले से ही बहुत अच्छा है, और सभी लोग थम्स अप देते हुए भोजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और बेशक उनकी प्रेजेंट टाइम की ताकत के साथ खाना पीना तो उनके लिए काफी नॉर्मल चीजें थी, वो खाए ना खाए एक बराबर, लेकिन यहाँ पे भोजन इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि हर कोई अट्रैक्ट होता है, यहाँ तक कि जो यान भी। हालांकि जब हर कोई यहाँ पे खाना खा रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है, तभी किंग मुयर उस छोटी लड़की के साथ धीरे धीरे अंदर आती है, और जब लॉन्ग कियोंग और जिया इसे देखती है तो तुरंत ही चौंक जाती है, और उनकी आंखें एक ही टाइम पे उस लड़की पर जाती है तो आंखें ग्लो होने लगती है। वो दोनों एक ही टाइम पे उस लड़की के सामने घुटने के बल बैठ जाते हैं और उसे रिस्पेक्टेडली ग्रीट करते हैं।
जो देखकर तो हर कोई चौंक जाता है कि आखिरकार ये कर क्या रही है। जो देखकर लॉन्ग कियोंग तुरंत ही कहती है, एंसेस्टर एंसेस्टर वेन्स। उसकी बॉडी कांप रही होती है और ऑब्वियसली जिया की भी। ऐसा नहीं था कि वो एक्साइटेड थे, बल्कि ये बैड ब्लड लाइन के कारण था, उस लड़की की ब्लड लाइन के कारण। इन लोगों के दिल में उसके लिए काफी रिस्पेक्ट आ रही होती है, पूरा शरीर कांप रहा होता है। जो देखकर जियान कहता है, कौन सा पेट एंसेस्टर। जो यान हैरान होता है, ये लड़की कुछ टाइम पहले ही तो उसे मिली थी। दूसरी तरफ ये छोटी लड़की उन दोनों को थोड़ी देर तक देखती है, जिसके बाद इसका ब्लड लाइन प्रेशर धीरे धीरे गायब हो जाता है, जिससे लॉन्ग कियोंग और जेई आई मीन जिया थोड़ा सा रिलैक्स फील करते उठती हैं। तभी छोटी लड़की तुरंत ही कहती है, ड्रैगन ड्रैगन क्लेन, जिस पर वो दोनों ही चौंक जाती हैं और तुरंत उन्हें रिस्पेक्टेडली ग्रीट करती हैं। और इसके बाद जो यान को रिस्पेक्टेडली ग्रीट करती है और तुरंत ही कहती है, मास्टर पहले की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दें। लॉन्ग कियोंग को ग्रीट करते हुए देखकर जॉन हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही है। अभी तो नाराज हो रही थी, अब माफी मांग रही है। क्या सच में इसका दिमाग इसके घुटनों में है? जॉन तुरंत ही कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते। जो देखकर वो बताती है, छोटी लड़की ये हमारे ड्रैगन क्लेन की एंसेस्टर ब्लड लाइन से है और ये ड्रैगन क्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हम इन्हें ही ढूंढ रहे थे और हमें ये फील हुआ था और हमें उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ है। साथ ही इन्होंने अभी कहा कि आपने उसे बचाया। अगर एक बार हमारी एंसेस्टर वेन्स एक्टिवेट हो जाती है, यानी मेरेडियंस, तो हमारे क्लेन को वापस से ग्लोरी के लेवल पर ले जाया जा सकता है जैसा वो पहले था। दूसरी तरफ जिया भी जो यान को कंफ्यूज देखकर सब कुछ बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि छोटी लड़की ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल सकती, लेकिन उसके पास एक अनोखा तरीका है ड्रैगन क्लेन के लोगों से बात करने का, जिसे लॉन्ग कियोंग और जिया ही समझ सकते हैं। जो देखकर जियान कहता है, पेट्रेट आई मीन एंसेस्टर्स वेन्स, और थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि जब उसने इसे ब्लड ड्रैगन को बचाया था तो उसे भी कुछ स्पेशल फील हुआ था, लेकिन ये कहना अभी भी थोड़ा सा अजीब था कि ये वास्तव में एंसेस्टर वेन्स थी, क्योंकि इसका और अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी जिया धीरे से कहती है, ठीक है, इस डिजास्टर के टाइम ड्रैगन एंसेस्टर्स की डेथ हो गई थी, 10 ड्रैगन वेन्स जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था वे सब सोल बन गई और वे सभी गायब हो गई। मुझे डर है कि ये आखिरी है। जो सुनकर तो जियान तुरंत ही सहलाता है और थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, थोड़ा सा सेटिस्फाइड होता है कि वास्तव में ये इसीलिए घबराए हुए थे। ये लड़की बिल्कुल ड्रैगन क्लेन के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किंगलिन और मुयर काइलिन मॉन्स्टर क्लेन और वारकार फैमिली के लिए। और यही एक रीजन है कि ड्रैगन क्लेन इस लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस देता है। साला ऐसी लड़कियां जो यान को ही क्यों मिलती है, और हम लड़कों के साथ काहे भेदभाव हो रहा है बे। एक आज जगह पे लड़के भी सेंट होने चाहिए ना, जो पावर वावर बढ़ा सकते हो। सारे लड़के साला भंड पड़े हुए हैं जो यान के जैसे। तभी लॉन्ग कियोंग तुरंत ही कहती है, इस बार आपने ड्रैगन क्लेन के लिए काफी बड़ी मदद की, और अगर हम ये बात क्लेन के पैट्रियार्ट को बताते हैं तो 9-10 निर्वाणा फ्रूट आपके लिए पाना मुश्किल नहीं होगा। जो देखकर जॉन काफी हैरान होते हुए हाथ लहराता है, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसे लक की, क्योंकि ये लड़की तो उसे लकीली मिल गई। जॉन तुरंत ही कहता है, शायद ये हमारा लक था, वैसे भी ये ड्रैगन क्लेन में जाना चाहती थी और मुझे भी ड्रैगन क्लेन में ही आना था 9-10 निर्वाणा फ्रूट को ढूंढने के लिए। साथ ही जो यान अब इस लड़की को जिया को दे सकता था, और दूसरी तरफ जॉन को पता था कि 9-10 निर्वाणा फ्रूट उसे कहां मिलेगा, तो जॉन ड्रैगन क्लेन पे अब डिपेंड नहीं होना चाहता था। वैसे भी जो काम जॉन करना चाहता था उस पे वो दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं करता था, बल्कि उन्हें खुद सॉल्व करना पसंद करता था। इसलिए जॉन कहता है, कोई बात नहीं, तुम इस लड़की को लेकर जा सकते हो, जहाँ तक मेरी बात है मैं अपने मामले को खुद सॉल्व करूंगा। और इतना कहने के बाद जैसे ही वो लड़की जॉन की बात को सुनती है तो उसकी आंखों में कुछ स्पेशल इम्प्रेशन होते हैं और वो तुरंत कहती है, ड्रैगन ड्रैगन क्लेन तेरी साला एक ईवा ईवा कर रहा था, फिर वो साला क्यों क्यों का भी कुछ था, उसकी भी अलग ही लैंग्वेज चल रही थी, अब ये लड़की ड्रैगन ड्रैगन क्लेन ड्रैगन ड्रैगन क्लेन कर रही है। मतलब सालों हमको जीने ना दो तुम लोग, मेरी आधी जिंदगी तो तुम लोगों की ट्रांसलेटर में गुजरती जा रही है। इस लड़की की बात को सुनकर जियान पूरी तरीके से वंड खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इस लड़की ने बोला क्या। तभी जिया कहती है, वो कह रही है धन्यवाद। जो देखकर जियान स्माइल करते हुए उस लड़की के सिर को टच करने ही वाला था कि अचानक उसे दो किलिंग इंटेंट और फील होते हैं, गुस्से भरी नजरें। तो जियान तुरंत ही एंबैरस होकर अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और जियान तुरंत कहता है, सॉरी ये बहुत प्यारी है इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। और इसके बाद जियान अजीब तरीके से अपने सिर को खुजलाता है। दूसरी तरफ ये लड़की जो जियान को देखती है तो इसकी खाली आंखों में हल्का सा उतार चढ़ाव होता है और काफी देर तक जॉन को देखते हुए वो अपनी उंगली को अपने फोरहेड पर रखती है और इसके बाद एक गोल्डन ब्लड की ड्रॉप को निकालकर उसे जो यान को दे देती है। इस टाइम पे जॉन इस ब्लड एसेंस की ड्रॉप में काफी पावरफुल ऑरे और एनर्जी को फील कर सकता था। साथ ही जॉन फील कर सकता था कि इसके अंदर के इमॉर्टल क्वीन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस गोल्डन ब्लड ड्रॉप की एक बूंद के अंदर 100+9 स्टार ब्लड क्रिस्टल के बराबर एनर्जी थी। और जॉन जानता था कि भले ही इस ब्लड ड्रॉप को अब्सॉर्ब करने के बाद वो 9 स्टार पीक लेवल को ब्रेक थ्रू ना कर पाए, लेकिन उसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंच सकता था, इसलिए जॉन काफी ज्यादा ललचा जाता है इस ब्लड ड्रॉप को देखकर। तभी लॉन्ग कियोंग तुरंत ही कहती है, ये एंसेस्टर ब्लड एसेंस है,
क्या एंसेस्टर वास्तव में उसे देने वाले हैं? उसे पता था कि इसमें न केवल ब्लड एनर्जी शामिल थी बल्कि इमॉर्टल क्वी भी शामिल थी और ड्रैगन क्लेन का ब्लड ड्रैगन क्लेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। और यहाँ तक कि लॉन्ग कियोंग और जिया भी इस गोल्डन ब्लड को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट और हैरान होती हैं। आखिरकार ये ब्लड ड्रॉप उन्हें मिल जाती तो न केवल उनकी पावर बढ़ सकती थी बल्कि उनकी ब्लड लाइन पावर भी एक्टिवेट हो सकती थी जिनके प्रॉफिट्स किसी की भी उम्मीद से ज्यादा हो सकते थे। हालांकि यहाँ पे जॉन को इस ब्लड ड्रॉप की लालच तो थी लेकिन जॉन भी जानता था कि इसकी कीमत कितनी है और किसी भी आउटर पर्सन के लिए ये गिफ्ट बहुत कीमती होगा। इसलिए जॉन तुरंत कहता है तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी थी और शायद तुम्हें बचाना ही मेरा लक था। मुझे लगता है इस ब्लड एसेंस को तुम्हें अपनी ट्राइब के लिए छोड़ देना चाहिए, उन्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन यहाँ पे कोई लालची व्यक्ति नहीं था कि वो काम करने के लिए कोई पैसे लेगा। जॉन ने लकीली इसे बचा लिया था लेकिन इतने बड़े गिफ्ट को जॉन कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? जो देखकर वो छोटी लड़की तुरंत ही कहती है ड्रैगन ड्रैगन क्लेन, ये किसकी लड़की है भाई साला, तोतली लड़की पैदा कर दी है। इसकी ड्रैगन ड्रैगन क्लेन को सुनकर जियोयन तुरंत ही जिया की तरफ देखता है तो जिया कहती है एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको अभी पावर की जरूरत है और ये ब्लड एसेंस आपकी मदद कर सकती है। जो देखकर जॉन हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए अपना सिर खुजलाता है। जॉन को पता था कि वो पहले से ही काफी टफ सिचुएशन में, उसे पावर की तो जरूरत है और अगर जॉन ब्लड मॉन्स्टर एम्परर से फाइट करना चाहता है तो उसे 9 स्टार पीक लेवल को ब्रेक थ्रू करना ही होगा ताकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ फील कर सके। जो देखकर जॉन कहता है ठीक है, हालांकि मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है लेकिन मैं इस ब्लड की ड्रॉप को नहीं रख सकता, मैं कोई और रास्ता खोज लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और जॉन उस लड़की को बार बार मना करता है और जॉन को बार बार मना करते हुए देखकर वो लड़की भी थोड़ा सा हैरान होती है और उसके पास अब इस ब्लड एसेंस की ड्रॉप को वापस लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और जॉन को इस ब्लड ड्रॉप को एक्सेप्ट न करते हुए देखकर लॉन्ग क्योंग की आंखों में जो गुस्सा था वो बहुत कम हो गया होता है और उस टाइम उसे जो लग रहा था कि जॉन बहुत ईगोफुल है उसे लेकर जॉन के दिल में अभी भी कुछ थॉट होते हैं। हालांकि जब सभी लोग बात कर रहे होते तभी आवाज आती है लिटिल जूनियर सिस्टर क्या तुम भी मर गई? तुम कैसे मरी? अब साला किसका पड़ोसी पैदा हो गया है भाई? इसे साला एक की आवाज समझ नहीं आ रही थी, दूसरा कोई आ गया। रुक जाओ। हालांकि जब हर कोई बात कर रहा होता है तभी यहाँ पे नान एर्मिंग आता है जिसकी खोपड़ी के बाल लाल होते हैं और सींग निकली हुई होती है उसकी और वो तुरंत ही उस लड़की को देख रहा होता है जो की जो यान के बगल से खड़ी हुई होती है। जो देखकर तो छोटी लड़की तुरंत ही चौंक जाती है और नान एर्मिंग की तरफ देखती है तो उसकी खाली आंखें लाल हो गई होती हैं और उनसे आंसू बहने लगते हैं। इस टाइम पे नान एर्मिंग को ड्रैगन स्केल किंग कंट्रोल कर रहा था, वो तुरंत ही मुस्कुराती है। दूसरी तरफ लॉन्ग कियांग और जिया दोनों ही चौंकते हुए कहते हैं लिटिल जूनियर सिस्टर ये लाल बालों की दुकान कौन है जो हमारे एंसेस्टर को ऐसा कह रहा है? और जैसे ही वो नान एर्मिंग की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक पावरफुल ब्लड लाइन प्रेशर फील होता है जो कि उनमें से हर किसी से ज्यादा पावरफुल और एशियंट था। तभी लड़की कहती है ड्रैगन क्लेन, उसकी आंखों से आंसू इतने ज्यादा बह रहे होते कि वो रुक ही नहीं रहे होते और ड्रैगन क्लेन कहते हुए उसकी आवाज कांप रही होती है जिस पे वो तुरंत ही कहता है ड्रैगन स्केल किंग हाँ हाँ मैं लकी था, इस लड़के ने ही मुझे बचाया था। पहले तो मैं इसे काफी ज्यादा बुरा मानता था लेकिन मैं केवल अभी कुछ टाइम के लिए इस बॉडी में रह रहा हूँ, साथ ही इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये मेरे लिए एक नई बॉडी को रिफाइन करेगा, साथ ही मुझे इस पर भरोसा भी है। हालांकि ये थोड़ा सा बेवकूफ है लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रैगन स्केल किंग और किसी की नहीं बल्कि अपने ठरकी की तारीफ कर रहा होता है। जो सुनकर तो वो लिटिल गर्ल जोयान को और गौर से देखती है तो अब तो उसकी आंखों में और भी ज्यादा इमोशंस और इमोशनली फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसके बाद वो छोटी लड़की लॉन्ग कियोंग और जियार की तरफ देखते हुए कहती है ड्रैगन ड्रैगन क्लेन। जो सुनकर तो दोनों ही ड्रैगन स्केल किंग की तरफ देखती काफी ज्यादा हैरान होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए घुटनों में झुक जाती है और तुरंत ही कहती है जूनियर एंसेस्टर को ग्रीट करती है और तुरंत ही ड्रैगन स्केल किंग को रिस्पेक्टेडली प्रणाम करती हैं। जो देखकर तो जॉन हैरान हो जाता है कि क्या ड्रैगन स्केल किंग ने जो कहा था वो सच था। ऐसा लगता था कि ड्रैगन स्केल किंग की पोजीशन ड्रैगन क्लेन में बहुत ज्यादा हाई है और शायद ये भी एंसेस्टर के जनरेशन से ही है। तभी ड्रैगन स्केल किंग तुरंत ही कहता है हाँ हाँ उठो, अरे पुलाइड होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टाइम का ड्रैगन क्लेन अब उतना ज्यादा लग्जीरियस नहीं है। और ऐसा कहते वो लॉन्ग कियांग और जिया की तरफ देखते हैं जिस पे दोनों ही थोड़ा सा हेल्पलेस तरीके से स्माइल करती हैं और ऑब्वियसली आज का ड्रैगन क्लेन पिछले ड्रैगन क्लेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक था। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं एंसेस्टर ने जो कहा वो सच है, एशियन डिजास्टर के बाद क्लेन के स्ट्रॉन्ग लोग अब वे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, यहाँ तक कि आपका ड्रैगन क्लेन तो ब्लड मॉन्स्टर से भी परेशान है और ड्रैगन क्लेन की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अब उम्मीद वाली नहीं है। लेकिन अब जबकि दोनों ही एंसेस्टर यहाँ है तो ड्रैगन क्लेन की उम्मीदों को एक बार फिर से जगाया जा सकता है। और ऐसा कहते हुए लॉन्ग कियोंग स्माइल के साथ ड्रैगन स्केल किंग को देखती है और उस लिटिल गर्ड को जो दोनों ही उसके एंसेस्टर थे और ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकते थे। जो देखकर ड्रैगन स्केल किंग कहते हैं अरे इसे भूल जाओ, मैं केवल थोड़े टाइम के लिए इस बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर मैं मदद करना चाहता हूँ तो मुझे इस बच्चे की मदद की जरूरत होगी। और ड्रैगन स्केल किंग हाथ लहराते हुए जो यान की तरफ इशारा करते हैं। जो देखकर लॉन्ग कियोंग भी जो यान की तरफ देखती है और जॉन तो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है कि साला मेरे को काय को टारगेट पे ले रिया, किसी और को कह देता।
तभी जॉन भी कहता है एम्बेरस होकर, फिर सीनियर के मैंने आपसे नहीं कहा था कि जब मेरा भाई डाउजियन लेवल पर पहुंच जाएगा तो मैं आपके लिए एक और बॉडी को रिफाइन कर दूंगा। मैंने जो काम है उसे जरूर पूरा करूंगा। जॉन थोड़ा सा झिझक भी रहा होता है कि साला ड्रैगन स्केल किंग पूरा प्रेशर उस पे डाल रहा है। यहाँ पे लॉन्ग कियोंग जोयान को जिस नजर से देख रही होती है वो काफी अजीब थी। उसके क्लेन के एंसेस्टर भी वास्तव में इस इंसान की बात मान रहे थे, जिसके बाद उसके जोयान के ईगोफुल होने की बात उसे समझ में आ जाती है कि जॉन इतना ईगोफुल क्यों होता है। वास्तव में बंदा इतने हाई लेवल के लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं, और वास्तव में ये बंदा हो सकता है कि अब डाउजियन लेवल के बर्ड को हिला दे। तभी ड्रैगन स्केल किंग कहते तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अभी इमॉर्टल्स लेवल के बर्ड से नहीं लड़ रहे? वैसे भी ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैंने तो अपने टाइम में काफी इमॉर्टल्स को मारा है। और ऐसा कहते हुए अपनी छाती को थपथपाता है क्योंकि नान एर्मिंग अब इंटरमीडिएट एट स्टार को पा चुका था। साथ ही जब ड्रैगन स्केल किंग उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है तो वो एट स्टार के लेट स्टेज तक पहुंच सकता है, तो डाउजियन लेवल भी अब ज्यादा दूर नहीं था। तभी जॉन कहता है लेकिन सीनियर आपको जितना ज्यादा हो सके अपनी सोल को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि भले ही आपकी बॉडी को फिर से क्रिएट किया जा सके अगर सोल वीक होगी तो सक्सेसफुल रेट काफी कम होंगे। जो सुनकर ड्रैगन स्केल किंग भी अपना सिर हिलाता है क्योंकि इस बात को तो वो भी जानता था कि उसकी सोल कंप्लीट सोल होनी चाहिए और ये कोई आसान काम नहीं था। हालांकि ड्रैगन स्केल किंग और नान एर्मिंग एक ही बॉडी में थे, दो सोल थे, दोनों की अपनी अपनी पावर स्ट्रेंथ और कंटेनर थे। साथ ही जॉन ने ड्रैगन स्केल किंग और नान एर्मिंग को डाउजियन लेवल तक पहुंचाने के लिए कहा था, वो केवल इसलिए क्योंकि नान एर्मिंग की जो सोल थी वो ड्रैगन स्केल किंग से वीक थी और जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाएगी उसकी सोल पावर की रिकवरी धीमी होती जाएगी। और सोल को रिपेयर करना बॉडी के जितना आसान नहीं है क्योंकि ये इनविजिबल इंजरीज होती हैं और एक बार इंजर्ड होने के बाद इसे ठीक करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए पिल का यूज किया जा सकता है लेकिन ऐसा करना काफी मुश्किल होता है और रेयर, इसीलिए इसे धीरे धीरे ही ठीक होने दिया जा सकता है। साथ ही ड्रैगन स्केल किंग अगर वास्तव में नान एर्मिंग से अलग होता है तो नान एर्मिंग को परेशानी नहीं होगी लेकिन उसकी पावर कम हो जाएगी और उसकी सोल पावर और बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी, जो कि जॉन नहीं चाहता था और इसीलिए जॉन ने नान एर्मिंग को डाउजियन लेवल तक पहुंचाने के लिए कहा था। तभी ड्रैगन स्केल किंग कहता है ठीक है जूनियर लिटिल सिस्टर, आपके पास अभी भी मौका है तो हर चीज में सावधान रहना बेहतर होगा। मैं आपको और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे अंदर जो ये बच्चा है ये थोड़ा सा एक्साइटेड है। और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करते हैं और उनके बाल वापस से काले हो जाते हैं और आंखें नॉर्मल हो जाती हैं, मतलब कि अब बॉडी नान एर्मिंग कंट्रोल कर रहा था। तभी जॉन ड्रैगन क्लेन की लड़की को देखते हुए कहता है क्योंकि अब आपको ड्रैगन क्लेन मिल गया है तो आपको उनके साथ वापस जाना चाहिए। हालांकि जॉन को पता था कि ये छोटी लड़की ड्रैगन क्लेन की एंसेस्टर थी लेकिन जॉन अभी भी उसे छोटी लड़की ही मानता था। अपनी बात खत्म करने के बाद लॉन्ग कियोंग जोयान को रिस्पेक्टेडली ग्रीट करती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉन के सबने उसे कितना नाराज किया था या हेल्पलेस। आखिरकार जॉन वास्तव में उसके ड्रैगन क्लेन के लिए एक अच्छा पर्सन था तो रिस्पेक्ट तो उसे देनी ही चाहिए। तभी जिया कहती है फिर जॉन तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जॉन ने पहले कहा था कि वो ब्लड मॉन्स्टर एम्परर को ढूंढना चाहता है। तो जिया को अभी भी चिंता थी क्योंकि जोयान का पावर लेवल प्रेजेंट टाइम पे हाई नहीं था और सामने वाला बंदा डाउजियन पर। तभी जॉन कुछ देर तक सोचते हुए फील करते हैं अभी भी वो नाइन स्टार पीक से कुछ दूर है और अगर उसके पास पर्याप्त ब्लड क्रिस्टल होते तो नाइन स्टार पीक को ब्रेक थ्रू करने का उसके पास मौका हो सकता था, जिसके बाद उस पावर के साथ भले ही ब्लड मॉन्स्टर एम्परर के पास इमॉर्टल लेवल की पावर हो जॉन उससे नहीं डरेगा। इसलिए जॉन कहते हैं क्योंकि सीनियर ने कहा खंडहर के अंदर एशियंट मेडिसिन क्लेन की 9-10 निर्वाणा फ्रूट है तो मुझे उसे लेने के लिए वहां जाना ही होगा क्योंकि ड्रैगन क्लेन में अब ये नहीं है तो मुझे जोखिम तो उठाना ही होगा। बेशक जॉन वहां पे सिर्फ 9-10 निर्वाणा फ्रूट के लिए नहीं जा रहा बल्कि ब्लड मॉन्स्टर के क्रिस्टल्स के लिए भी जा रहा था, क्योंकि जॉन जब तक पर्याप्त मॉन्स्टर्स को मार सकता था उसे ये क्रिस्टल मिल सकते थे और वो अपनी पावर को बेहतर कर सकता था। और इसके अलावा जॉन ये भी देखना चाहता था कि पास्ट का डाउडी कॉन्टिनेंट कैसा था, आखिरकार इस भूल चुके बर्ड के अंदर भी काफी सारी चीजें होनी चाहिए। आखिरकार यहाँ पे नान एर्मिंग को छोड़कर जिसके पास ड्रैगन स्केल किंग था और उसके पास बैटल स्किल्स और मार्शल आर्ट की कोई कमी नहीं थी, दूसरों के पास जो बैटल स्किल थे वो अभी भी काफी नहीं थे, तो सभी की पावर को सुधार करने के लिए जॉन को वहाँ पे कोई अच्छा चांस भी मिल सकता था। साथ ही जॉन ओल्ड डेमन एम्परर द्वारा दिए गए पिल फॉर्मूलों के बारे में सोचता है जो कि एशियन डाउडी कॉन्टिनेंट के थे और कितने पावरफुल थे। हो सकता है कि अंदर के ज्यादातर ट्रेजर खत्म हो गए हो लेकिन जो बचे हुए होंगे वो कोई नॉर्मल ट्रेजर थोड़ी होंगे, इसलिए इसे जॉन के लिए भी बड़ी ब्लेसिंग माना जा सकता था और बाकी लोग के लिए भी। हालांकि खतरा बड़ा था लेकिन प्रॉफिट भी बड़ा था। तभी जिया कहती है आप वहां जाना चाहते हैं, वो बहुत खतरनाक है, हालांकि आप स्ट्रांग है लेकिन जैसा कि सीनियर सिस्टर लॉन्ग कियोंग ने कहा क्लेन के लीडर भी वहां जाने से डरते हैं, वहां नहीं जाते, तो क्या आपके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना सही होगा वो भी इस तरीके से। जिया को टेंशन में देखकर जॉन तुरंत ही स्माइल करता है, चिंता मत कर मेरी ही नोबल है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ,
साथ ही ऐसा कहते हुए जॉन के चेहरे पर एक सुकून होता है, इतना सुकून कि जैसे वो ब्लड मॉन्स्टर एम्परर को बिल्कुल भी सीरियस न ले रहा हो। साथ ही साथ जॉन की बॉडी से एक सीरियस ऑरा रिलीज हो रहा होता है जो देखकर जिया कहने ही वाली थी कुछ, और तुरंत ही कहती है मुझे लगता है कि जॉन किसी भी ब्लड मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावना है। साथ ही जॉन की एक स्माइल को देखकर वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि जो यान को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए वो अच्छे से जानती थी कि इस इंसान को मनाना बेकार है, ये पूरा चूतिया इंसान है और अगर इसने एक बार डिसाइड कर लिया कुछ करने का तो फिर वो करेगा। इसलिए जिया तुरंत ही कहती है ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी तो तुम्हें सपोर्ट करना ही होगा। हालांकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन तुम काफी तेजी से पावरफुल हो गए हो, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो मैं वापस जाऊंगी तो क्लेन के ओल्ड लोगों और एंसेस्टर्स को जरूर इसके बारे में बताऊंगी, और अगर आपको जरूरत होगी तो वे निश्चित तौर पर आपकी मदद के लिए आएंगे। और ऐसा कहते हुए जो यान भी इस्माइल करते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहता है ठीक है, अगर ड्रैगन क्लेन मदद करने के लिए तैयार है तो फिर तो ये काफी आसान हो सकता है। तभी लॉन्ग कियोंग भी कहती है क्योंकि अब एंसेस्टर मिल गए तो हमारे लिए देरी करना सही नहीं होगा, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। आखिरकार पूरी ड्रैगन फैमिली एंसेस्टर ब्लड को काफी इंपॉर्टेंस देती थी। तभी जान कहता है कि आप लोगों को ड्रैगन क्लेन से यहाँ तक पहुँचने में कई साल नहीं लगे, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, ऐसा लग रहा था जैसे ये खंडहर और लिवर स्प्रिंग से गुजरे ही नहीं। तभी लॉन्ग कियोंग कहती है सी सरफेस के अंदर अंडर करंट से होते हुए जो वार्म होल से गुजरे हुए हैं वो एक नेचुरल वार्म होल है जिनके अंदर की एनर्जी थोड़ा सा अनस्टेबल है लेकिन ये काफी फास्ट है। साथ ही हमारे ड्रैगन क्लेन के एंसेस्टर्स ने और एल्डर्स ने पहले ही इन वार्म होल्स के लॉस को फॉलो कर लिया और इन्हें पहचान लिया है, तो हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो इन वार्म होल का यूज करते हुए जा सकते हैं। और वो सीधे ही जॉन को बता देती है क्योंकि उसे पता था कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, जो सुनकर जॉन भी सिर हिलाता है और तुरंत ही समझ जाते हैं कि मरमेड ट्राइब के जो एल्डर सिंजी ने कहा था वो सच था। तभी जॉन तुरंत ही कहता है ठीक है तो जिया आप तुम्हें सीनियर सिस्टर को फॉलो करना चाहिए, जिस पे जिया भी चुपचाप अपना सिर हिला देती क्योंकि 3-स्टार डाउडी की पावर के साथ वो जॉन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। तभी जिया गुस्से में तुरंत ही कहती है ठीक है, जब तुम्हारे ये सभी मामले निपट जाए तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए ड्रैगन क्लेन में आना होगा, मैं सभी लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक जीनियस होने का क्या मतलब होता है। जो देखकर तो जॉन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है कि साला मुझे दिखाकर सो अपमानना चाहती है, वो भी मेरी बीबी के सामने कह रही है, हे भगवान। जिसके बाद जॉन कहता है ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ लेकिन आपको और भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। और इसके बाद जो यान लॉन्ग कियोंग की तरफ देखते हुए एक पंच मारते हुए कहता है सीनियर मुझे अपनी सिस्टर का ख्याल रखना होगा, हालांकि ये थोड़ी सी शरारती है तो आप उसे एक दो सबक सिखा सकते हैं। जॉन की बात को सुनकर तो लॉन्ग कियोंग पूरी तरीके से हैरान रह गई होती है, हालांकि जल्द ही हर कोई होश में आते हुए हंसने लगता है और यहाँ जिया बस केवल गुस्से में होती है और जो यान को पंच मारते हुए गरम लाल गाल के साथ कहती है तुमने क्या कहा। तभी जॉन कहता है अब तुम्हें जाना चाहिए, और इसके बाद कियानिंग भी सभी लोगों को बाहर तक छोड़ती है और यहाँ लॉन्ग कियोंग जिया और उस छोटी लड़की को लेकर मरमेड ट्राइब को छोड़ देती है। और लॉन्ग कियोंग और जिया को जाता हुआ देखकर जॉन अपने दिमाग में नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है कि ड्रैगन क्लेन में जाने की जो जर्नी थी वो अब टॉम में जाने की जर्नी बन गई थी, जो देखकर जॉन कहता है ऐसा लगता है कि अब हम इन इविल क्रिएचर से लड़ने जा रहे हैं। साथ ही जॉन थोड़ा सा टेंशन भी फील कर रहा होता है क्योंकि टॉम की जर्नी में बेवजह ही सही लेकिन जॉन को थोड़ा सा डर लग रहा होता है। साथ ही जॉन सेवन ग्रेट जनरल्स को याद करता है जिसमें से अभी केवल उसने 3 को ही मारा था, जिसका मतलब था 4 बचे थे और इसके बाद उनका एम्परर। तभी नानामी कहता है मास्टर जी तो हम कब टॉम के अंदर जा रहे हैं, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी जॉन कहता है चलो पहले कुछ टाइम के लिए मरमेड ट्राइब पे रहते हैं, वैसे भी यहाँ की जर्नी काफी खतरनाक थी, साथ ही टॉम के अंदर हो सकता है अगर आप लकी हुए तो आपको काफी सारी यूजफुल चीजें मिल सकती हैं। साथ ही जॉन को अच्छे से याद था कि ये ब्लड मॉन्स्टर ज्यादा बैटल स्किल्स को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसका मतलब था कि जो डाउडी कॉन्टिनेंट की सेंट चीजें होंगी वो ना तो ये अब्जॉर्ब कर पाए होंगे ना ही इन्हें सीख पाए होंगे, इसलिए वो पूरा का पूरा टॉम या खंडहर एक अननोन ट्रेजर से भरा हुआ ट्रेजर हॉल था जिसमें एशियन डिजास्टर के टाइम की अनगिनत कीमती चीजें थी। जिसके बाद जॉन कहता अगर हम इस बार यहाँ से चले गए तो फियरलेस आर्क के लोग अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें आर्क में ही रहना होगा, साथ ही हमारे आसपास ना होने पर हो सकता है कि कुछ ब्लड मॉन्स्टर्स मौके का फायदा उठाएं और यहाँ पे अटैक करें, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मरमेड ट्राइब की सिक्योरिटी के लिए भी हमें सोचना होगा। साथ ही जॉन सोचता है क्या होगा अगर सेवन ग्रेट जनरल में से कोई यहाँ पे आ गया, चाहे जॉन कितने भी स्काई फायर यहाँ पे छोड़ दे और फायर लोटस, उनसे निपटना अभी भी मुश्किल होगा। हालांकि जॉन उन्हें आसानी से मार पाया तो वो लास्ट के 3 ग्रेट जर्नल्स थे, अभी भी 4 जो जर्नल्स हैं वो ऑब्वियसली इनसे तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। हालांकि तभी एल्डर सिंजी कहते हैं लेकिन अगर हमारे क्लेन की फॉर्मेशन की मरम्मत कर दी जाती है तब तक फ्यूचर में ये 7 ग्रेट जर्नल्स भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, जो सुनकर तो जॉन हैरान रह जाता है और तुरंत कहता है क्या फॉर्मेशन की मरम्मत करने का कोई तरीका है, क्योंकि अगर जॉन इसे ठीक कर देता है तो फिर जॉन टेंशन फ्री होकर टॉम की तरफ जा सकता है। जो देखकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं अगर किंग घायल नहीं हुए हैं तो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अब मुझे डर है कि उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। और ऐसा कहते वो झिझक रहे होते हैं।
तो विजन कहता है, एंसेस्टर एल्डर, क्या आप मुझे फॉर्मेशन को देखने के लिए ले जा सकते हैं? हालांकि जॉन फॉर्मेशन पे अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी देख सकता था ताकि उसे पता चल सके कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है। जो सुनकर एल्डर सीजी एक पल के लिए झिझकते हैं, लेकिन फिर सिर उठाते हुए तुरंत ही कहते हैं, ठीक है मेरे पीछे आओ। जो मरमेड ट्राइब थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, और इमारतों के बीच में ब्लू स्टोन के टुकड़ों से बना हुआ एक गोल फ्लोर होता है, और उसी फ्लोर के ऊपर एक क्रिस्टल मंच पे एक मेज रखी हुई होती है जिसपे एल्यूजनरी क्रिस्टल बॉल रखी हुई होती है, जो थोड़ा सा धुंधली थी, लेकिन उसमें कोई लाइट नहीं थी, ना ही कोई भी ऑरे का निशान। जो देखकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं, यह वो जगह है जहां हमारे क्लीन की प्रोटेक्ट करने वाली फॉर्मेशन की आई है, और क्योंकि इसे ब्लड मॉन्स्टर्स द्वारा खोज लिया गया था, यह टूट गई थी। और ऐसा कहते वो जॉयन को यह दिखाते हैं, और उस लाइट पिलर के क्रिस्टल पिलर के क्रिस्टल बॉल की तरफ ले जाते हैं। जोसेफ जॉन जब इसे करीब से देखता है तो पाता है कि क्रिस्टल बॉल की सतह पर कुछ दरारें थी, हालांकि दरारें बड़ी नहीं थी, लेकिन फॉर्मेशन को बेकार करने के लिए अभी भी काफी थी। हालांकि जॉन खोजबीन के लिए आगे जाने ही वाले था कि तभी एल्डर सीजी जॉन को रोक देते हैं, जो देखकर जॉन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और एल्डर सीजी की तरफ देखता है। तभी वो कहते हैं, मास्टर हालांकि ये स्पिरिचुअल बॉल है जो अब डैमेज हो गई है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को ये अभी भी नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर आपके पास मॉन्स्टर ब्लड नहीं है तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो देखकर जॉन तुरंत ही अपना सेल आता है और क्रिस्टल बॉल को देखता है, और इसके बाद उसके समझने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है। तो जॉन के इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो थोड़ा सा हैरान होता है, और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, इस क्रिस्टल बॉल में स्पिरिचुअल सील्स का यूज क्यों किया गया है? जो सुनकर एल्डर सीजी तुरंत ही हैरान होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आप वास्तव में स्पिरिट सील के बारे में जानते हैं? हाँ, ये क्रिस्टल बॉल स्पिरिट सील की पावर से ही बनाया गया था, और स्पिरिट सील तीन मिस्टीरियस चीजों में से एक है जो काफी रेयर है और केवल हमारे एम्परर के पास ही है, इसलिए उसकी मरम्मत केवल स्पिरिट सील से ही की जा सकती है, और वही कर सकते हैं, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो देखकर जॉन कहता है, हट चुप बे बेवकूफ, साला हमको पहले बता देते। एल्डर सीजी की बात को सुनकर जॉन जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर तो एल्डर सीजी हैरान होते हैं कि इस बंदे को क्या हो गया। हालांकि ये चीजें दूसरों के लिए रेयर हो सकती थी, लेकिन जॉन के लिए घंटा बिल्कुल भी रेयर नहीं थी। तभी जॉन का स्पिरिट सील ठीक है, और अपने हाथ को लहरा के जॉन एक नहीं छह स्पिरिट सील अपीयर करता है, जो उस बॉल के चारों तरफ घूमने लगती है। जो देखकर तो एल्डर सीजी तुरंत ही हैरान होते हैं। तभी जॉन कहता है, इनमें से कौन सी स्पिरिट सील इस चीज को रिपेयर करने के लिए यूजफुल होगी? एल्डर आप ही बताइए। जो यान की बात को सुनकर तो एल्डर सीजी के इंप्रेशन बदल गए होते हैं, और वो बार बार अपनी आंखों को मल रहे होते हैं कि क्या उनके सामने जो दिख रहा है वो सही है या झूठ है, कैसा इल्यूजन है ये। आंखें मल्ले, चीटी काटने, थप्पड़ मारने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि वो जो देख रहे हैं वो सही है। वो तुरंत ही कहते हैं, अच्छा छह स्पिरिट सील, फाइव कलर की लाइट वाली स्पिरिट सील, ये रैंक 20 की फाइव एलिमेंटल स्पिरिचुअल सील है। खतरनाक फ्लेम, ये रैंक 10 की फ्लेम बर्निंग स्पिरिट सील है। नाइन्थ रैंक की होली आर्मर स्पिरिट सील, रैंक 5 की पर्पल गोल्ड स्पिरिट सील। हे भगवान, तुम्हें ये कहाँ मिली? उसे तो लगभग बेहोशी आ रही होती है। जहाँ तक वो जानता था तो मरमेड एम्परर के पास भी जो स्पिरिट सील थी वो काफी लो लेवल की थी, जबकि जो यान की स्पिरिट सील्स को तो रैंक 10 में भी रखा जा सकता था। वो तुरंत ही कहते, मिस्टर यंग मास्टर, ओ मैं आप एल्डर की आवाज कांप रही होती है, वो इतना चौंक गया होता है, उसे लग रहा था कि ये सपना है तो सपना चलता ही रहे। तब यान कहता, ठीक है तो सीनियर वास्तव में स्पिरिट सील्स के नामों से परिचित है, जिसपे एल्डर तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं। आखिरकार ऑब्वियसली मरमेड ट्राइब भी तो मॉन्स्टर ट्राइब ही थी, उन्हें स्पिरिट सील के बारे में पूरा पता था। वो तुरंत ही कहते, यंग मास्टर मैं इन्हें जानता हूँ, मैं इन सभी को जानता हूँ, कैसा हो सकता है कि ये सभी आपकी हैं? वो हैरानगी से जॉन से पूछता है। तभी जॉन कहता है, सीनियर तो क्या मेरी ये स्पिरिट सील्स इस फॉर्मेशन की मरम्मत कर सकती हैं? साथ यहाँ पे जॉन काफी इत्मीनान से बोलता है, ना कि जल्दबाजी में। ऐसा नहीं था कि जॉन को जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि यहाँ पे अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी था, कहीं जॉन इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ना कर दे। जो देखकर तल्डे तुरंत ही कहते हैं, ठीक, अरे 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 बिल्कुल, यंग मास्टर जो कि इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर्स की स्पिरिचुअल सील्स इसकी मरम्मत ही नहीं कर सकती, बल्कि इसे और भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि इमॉर्टल लेवल का बॉरियर भी आसानी से हमारी मरमेड ट्राइब को नहीं ढूंढ पाएगा। दूसरे पे स्टैम्प पे क्यानिंग भी लौट आई होती है जिया और लॉन्ग कियोंग को विदा करके, और जैसे वो स्टेज में जो यान को देखती है और उसकी स्पिरिट सील को, तो वो तुरंत ही चिल्लाती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। और आसपास तो मरमेड ट्राइब के काफी सारे गार्ड इकट्ठा हो गए होते हैं, और वो इन स्पिरिट सील्स को घूर रहे होते हैं, और तुरंत ही कहते हैं, ये सभी स्पिरिट सील्स हैं। तभी एक बंदा कहता है, हाँ मैं उस वाली को जानता हूँ जो रैंक 12th की मैजिक ब्रेकिंग स्पिरिचुअल सील है, मैं पर्पल गोल्डन स्पिरिट सील को भी जानता हूँ। और ऐसे ये भी अपने अलग अलग नाम लेने लगते हैं। साथ ही वो तुरंत ही कहते हैं, लेकिन ये सभी स्पिरिट सील ह्यूमन ट्राइब के बंदे के पास कैसे हो सकती है? वो तो ह्यूमन ट्राइब से है। सभी लोग इस पे बात करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो जॉन को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो किसी मॉन्स्टर को देख रहे हो। तभी एक बंदा कहता है, क्या आपने उसे ब्लड मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखा था, कितने खतरनाक तरीके से? तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है कि उसने 1,08,000 ब्लड मॉन्स्टर्स को मार डाला, यहाँ तक कि ब्लड गॉड जनरल को भी। साथ ही हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा, उसने दो और जनरल्स को भी मार डाला था।
जिसका मतलब कि सेवन ग्रेट जर्नल्स में से उसने तीन को मार डाला जो नाइन स्टार पीक लेवल पर थे। तभी एक और बंदा कहता है हाँ, तीन जर्नल्स को मार भी दिया और उसे कोई चोट भी नहीं आई। वास्तव में उसके पास इतनी सारी स्पिरिचुअल सील है, इसी के कारण उसकी बैटल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है और ले दनादन चर्चाएं चलने लगती हैं। हालांकि जॉन का इसमें इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही इस टाइम पे वो जॉन की सिक्स स्पिरिट सील को देखकर जेलिसी और एक्साइटेड दोनों ही फील कर रहे होते हैं। तभी जॉन कहता है ठीक है, क्योंकि मैं इस बॉल को क्रिएट करने और रिपेयर करने में आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं इसे ट्राई करता हूँ। आप सभी लोग थोड़ा पीछे हट जाइए ताकि आप में से किसी को चोट न लगे। और इसके बाद जॉन तुरंत ही उस क्रिस्टल बॉल को देखने लगता है और सभी लोग मंच में जोयान को और बॉल को छोड़कर पीछे हट गए होते हैं। जिसके बाद जोयान स्पिरिट सील को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है और क्रिस्टल बॉल को टच करता है, जो देखकर एक बंदा तुरंत ही कहता है ये ह्यूमन ट्राइब से है, सोल बॉल निश्चित तौर पर तगड़ा झटका मारेगी। जो देखकर दूसरा बंदा भी कहता है हाँ, एम्परर को छोड़कर कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, भले इस लड़के के पास सिक्स स्पिरिट सील हो, उसके पास अभी भी ह्यूमन ब्लड है। सोल स्लैचिंग पर्ल उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सभी की तरह तरह की बातों को सुनकर जॉन तुरंत ही मुट्ठी भींच लेता है और दे दना दन पसीना बह रहा होता है। दूसरी तरफ एल्डर सीजन और क्यानिंग भी थोड़ा सा उदास होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि तभी जोयान का हाथ उस क्रिस्टल बॉल को टच करता है और अचानक ही क्रिस्टल बॉल कुछ भी ग्लो नहीं करती, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और जॉन को भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक वो बॉल जोर जोर से ग्लो करने लगती है और इतनी ज्यादा लाइट होती है कि कोई भी आंखें नहीं खोल पा रहा होता, जो देखकर सभी लोग कहते हैं क्या क्या क्या, इसने यंग मास्टर को अनएक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये यंग मास्टर भी मास्टर क्लेन का मेंबर हो, यानी बारकार्ड फैमिली का। बारकार्ड फैमिली मतलब सभी बीस्टों की फैमिली। यहाँ तक एल्डर सीजी भी ये देखकर दंग रह गए होते हैं और यहाँ तक कि वो दंग थे क्योंकि उन्हें पता था ये न केवल क्रिस्टल बॉल थी बल्कि इस फॉर्मेशन की आई थी जिसके अंदर खुद का दिमाग और स्पिरिचुअलिटी थी और कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता था एम्परर के अलावा, तो वो उसे कभी भी टच करने नहीं देती थी। साथ ही किसी ने कभी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन ह्यूमन ट्राइब का बंदा वास्तव में टच कर सकता था, इसलिए वो काफी हैरान होते हैं और काफी खुश भी। वो तुरंत ही कहते हैं यंग मास्टर जी अब आप वारकार्ड फैमिली के मेंबर बन गए हैं। तभी जो जान तुरंत कहता है यंग मास्टर जी प्योर ह्यूमन ट्राइब से हैं। जो देखकर एल्डर सीजी तुरंत ही शॉक होते हुए कहते हैं तो क्या तुम्हें लगता है वो स्पिरिट सील को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जो देखकर वो तुरंत ही कहता है ये हमारे यंग मास्टर जो द्वारा कल्टीवेट किए जाने वाले बैटल स्किल से कल्टीवेशन मेथड से रिलेटेड है। जो जॉन ऐसा कहता है और साथ ही साथ वो क्यूरियस होता है कि जॉन कैसे इन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है, हालांकि उसने कभी भी जॉन से नहीं पूछा था। जो देखकर एल्डर सीजी कहते किस तरीके की अबनॉर्मल टेक्निक को ये कल्टीवेट करता है कि ह्यूमन ट्राइब की ब्लड लाइन के साथ भी है स्पिरिचुअल सील को अब्सॉर्ब कर पाता है, वो भी एक नहीं छह उन दोनों का ही, मतलब एल्डर सीजी और क्यानिंग दोनों का चेहरा पीला पड़ गया होता है, उन्हें अपने कानों और नाकों पर कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी जो जान कहता है इतना हैरान मत हो, हमारे यंग मास्टर जो के पास तो बहुत सारी स्काई फायर भी है। जो सुनकर तो एल्डर सीजी और क्यानिंग इतना हैरान होते कि जैसे उनके ऊपर लाइटिंग बोल्ट गिर गया हो, बिल्कुल स्टोन स्टैचू की तरह खड़े होते हैं वो दोनों। तभी एल्डर सीजी बड़ी हिम्मत करके कहते हैं क्या ये वास्तव में ह्यूमन है, इंसान है। वो अनटेटर तरीके से जॉन को देख रहे होते हैं, वो अब समझ गए होते हैं कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट तरीके से क्यों कह रहा था कि ब्लड एम्परर किंग उसे भी देख लूंगा। साथ ही उसे लग रहा होता कि प्रीस्ट की जो भविष्यवाणी थी वो भी सही है, यही वो पर्सन है जो उन्हें बचा सकता है और इस दुनिया को बचा सकता है। एल्डर सीजी तुरंत ही कहते बिल्कुल, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, यही है वो, वही है ये। जो सुनकर तो लगभग सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी इस भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं था, लेकिन जॉन को देखकर अब उन्हें उम्मीद जाग गई थी कि हाँ ये वो हो सकता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी एनर्जी की यूज करते हुए स्पिरिट सील की एनर्जी को इस क्रिस्टल बॉल के अंदर डालने लगता है। हालांकि इसकी दरारें ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन इन्हें फुलफिल करने में और रिकवर करने में काफी टाइम लग रहा होता है, लेकिन जॉन की स्पिरिचुअल सील की पावर के कारण ये देखते ही देखते ठीक होने लगी होती है और जॉन स्पिरिचुअल सील की पावर को कंटिन्यू बढ़ाता जा रहा था तब तक जब तक ये दरारें पूरी तरीके से गायब नहीं हो गई, जिसके बाद एक इनविजिबल पावर सीधा ही उसे क्रिस्टल बॉल से उड़ते हुए आसमान की तरफ जाती है और मरमेड ट्राइब के आर्मर के साथ फ्यूज हो जाती है। और इसके बाद पूरे ही सेफ्टी बैरियर में मिस्टीरियस लाइनें दिखाई देने लगती हैं और सेफ्टी बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और बाहर एक अजीब ही लाइन क्रिएट हो जाती है, यानी कि अजीब बैरियर। और अगर आप बाहर से देखते तो आपको पता चलता कि मरमेड ट्राइब धीरे धीरे गायब हो गई थी और वो जगह नॉर्मल ठंडे पानी के इलाके में तब्दील हो जाती है। मरमेड ट्राइब का तो नामो निशान मिट गया होता है, कोई ब्रीथ तक नहीं, जो देखकर जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तभी अचानक जॉन रिलैक्स की सांस लेने ही वाला था कि जॉन चौंक जाता और उसके दिमाग में कुछ इमेज आती है जिसमें था मास्टर जब आप टॉम में जाएं तो आपको नीलिंग जुआन जरूर जाना चाहिए, मेरी ट्राइब को जरूर बचाइएगा। और इस शब्द के बाद जुआन को कुछ धुंधली फिगर दिखती है और ये फिगर ऑब्वियसली जायंट वैली फिश के पेट में मिले प्रीस्ट से मिलती जुलती थी, जो देखकर तो जॉन हैरान रह जाता है। हालांकि जॉन को उसकी बात का मतलब तो समझ नहीं आया था लेकिन क्योंकि उसने कहा था तो जॉन तुरंत ही कहता है जो कुछ हुआ अच्छा ही है, देखूंगा और कोशिश करूंगा, शायद यही डेस्टिनी है।
जॉन को लग रहा था कि शायद सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड है, और प्रीस्ट का उसके लिए इतना रेस्पेक्ट देना और उसे ग्रीट करना। जॉन धीरे धीरे हर एक मिस्टीरियस बर्ड को अब समझता जा रहा था, जिसके बाद जॉन कहता है नाइलिंग एकेडमी। और इतना सोचते ही अचानक ही पूरी मरमेड ट्राइब में जोर जोर के नारे लगने लगते हैं, क्योंकि अब ये फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी तो मरमेड ट्राइब गायब हो गई, इसलिए अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी एल्डर सीजन कहते हैं धन्यवाद यंग मास्टर, और कैनिंग भी जॉन को रिस्पेक्टेडली प्रणाम करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय थ्रियन फैमिली।